हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम, जिसे बनाना बहुत इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इस गर्मी में अगर आप इसे बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। दूध को हम 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी डालने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से चला लीजिए, क्योंकि चीनी पानी छोड़ता है। तो थोड़ा सा और 5-6 मिनट तक इसे पका लेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी लिया। चीनी का मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। इसमें हम दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कस्टर्ड पाउडर में दूध डालें तो थोड़ा सा ठंडा दूध लीजिएगा, इसमें गर्म दूध मत डालिएगा। ये हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसे एक हाथ से धीरे धीरे दूध में डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहेंगे, और इसे ऐसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। जब कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एकदम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम, ये एकदम ठंडा है। तो अभी हम इसे व्हीप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस टाइप का विस्कर भी ले सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम इस क्रीम को 6 से 7 मिनट तक बीट कर लेंगे। जब इसमें थोड़ा थोड़ा पीक आ जाएगा इस टाइप का, तो हम इसे बीट करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें एकदम सॉफ्ट पीक चाहिए। तो अभी हम इस क्रीम में डाल देंगे कस्टर्ड जो हमने बनाकर रखा था। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने 2 आम लिया, जिसे ऐसे काट कर ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। उसमें से मैं 1 कप मैंगो पल्प मैं इसमें डालूँगी। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। मैंने जो क्रीम लिया ये ऑलरेडी मीठा है, तो इसमें मैं और मीठा नहीं डालूँगी। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो इस टाइम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी हम इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 घंटे अभी फ्रीज़र में रखेंगे। तो 4 घंटे बाद मैंने आइसक्रीम को दोबारा निकाला। जब ये थोड़ा थोड़ा जम जाएगा तो हम इसे दोबारा एक बार बीट करेंगे, इससे आपका आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट और क्रीमी सा बनेगा। ये हमने अच्छे से बीट कर लिया है। तो अभी हम इसमें मैंगो को ऐसे छोटे पीसेस करके काट कर डाल रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में ले लेंगे, थोड़ा सा ऐसे टैप कर लीजिए। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर मैंगो पल्प को ऐसे चम्मच से डाल रही हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, फिर एक टूथपिक लेकर ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना देंगे। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अभी इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 घंटे अभी फ्रीज़र में रखेंगे, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 12 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा टेक्सचर आया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको ऐसे ही नए नए और शानदार रेसिपी देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।